खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन दूसरों से बहस करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। नमस्कार प्रिय मित्रों, आज मैं आपको वृश्चिक लग्न वालों के लिए 2021 का प्रेडिक्शन बताने जा रहा हूँ। यह चार्ट है गोचर में घूम रहे ग्रहों का, जो अभी की ग्रहों की पोजिशन दिखा रहे हैं। वृश्चिक राशि मंगल की साधारण राशि होती है। मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि है। मेष राशि अग्नतत्व राशि है और वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है। वृश्चिक लग्न की कुंडली में चंद्र, सूर्य, मंगल और गुरु कार्य ग्रह माने जाते हैं। वृश्चिक वालों की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है। वो जहाँ भी जाते हैं अपना प्रभाव छोड़ देते हैं। ये लोग बहुत ही उग्र स्वभाव के होते हैं। ये कभी किसी को परेशान नहीं करते, लेकिन कोई इन्हें परेशान करे तो बहुत ही मजबूत जवाब देते हैं। ये कभी कभी मारा मारी भी कर देते हैं। अपना काम हो जाने के बाद अपने दुश्मनों को ख़त्म कर देते हैं। ज़्यादा बातचीत नहीं करते। इनके अंदर बहुत जोश होता है। ये बदला लेने के लिए उत्सुक होते हैं। स्त्रियों के पीछे ज़्यादा आकर्षित होते हैं। इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन दूसरे लोग इन्हें बेवकूफ़ समझते हैं। जो इन्हें नज़दीक से जानते हैं उनको ही पता है कि ये कितने स्मार्ट हैं। बहुत जिद्दी भी होते हैं। आपको किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। शराब और मांसाहार से दूर रहना चाहिए। अब चलते हैं प्रेडिक्शन की ओर। यहाँ 8 नंबर लिखा है तो आपका वृश्चिक लग्न हो गया। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी यहाँ 8 नंबर लिखा है तो ये प्रेडिक्शन आपके लिए है। वीडियो देखने में प्लीज़ कोई गलती ना करें, नहीं तो फिर प्रेडिक्शन मैच नहीं होगा। ये प्रेडिक्शन इंडियन टाइम्स एंड डेट्स के ऊपर है, तो आप अपने देश के डेट और टाइम से प्रेडिक्शन को सेट करें। इस साल आपके पति पत्नी के रिलेशन और बिजनेस के रिलेशन अच्छे रहेंगे। राहु आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। लंबी यात्रा पर भी जा सकते हैं। स्टूडेंट के लिए मेहनत भरा समय रहेगा। अपने बच्चों की हेल्थ का खास ध्यान रखें। आपके बच्चे किसी गलत संगत में भी पड़ सकते हैं। ऑटोमोबाइल और ऑयल के बिजनेस वालों के लिए ये साल अच्छा जाने वाला है। बहुत लंबे समय से आप अपने बिजनेस के लिए जो प्लानिंग कर रहे थे, वो प्लानिंग अब सक्सेस होने वाली है। पहले से ही कोई बिजनेस चल रहा था तो उसमें प्रोग्रेस होने वाला है। नौकरी करने वालों के लिए मार्च और अप्रैल में नई जॉब मिल सकती हैं। जॉब चेंज करना, जॉब में प्रमोशन पाना, जॉब में इंक्रीमेंट चाहते हैं, तो ये सब होने वाला है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अब बेहतर होने वाली है। 6 अप्रैल से 13 सितंबर तक आपके करियर के लिए बेस्ट टाइम रहेगा। सितंबर और अक्टूबर के दौरान आपको नौकरी में परेशानियां आ सकती हैं। ऑफिस में स्टाफ के साथ या फिर आपके बॉस के साथ आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं। खास करके 14 सितंबर से 19 नवंबर के दौरान थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इस साल आपके पड़ोस में कोई प्यार मोहब्बत का चक्कर भी चल सकता है। अगर किसी से प्यार करते हैं तो उनको प्रपोज कर दीजिए। जुलाई और अगस्त में आप नई जमीन, नया मकान या फिर नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। 20 नवंबर 2021 के बाद 100% आप नया घर लेने वाले हैं। मार्च, अप्रैल और मई के दौरान आपको शेयर मार्केट में लाभ हो सकता है। अप्रैल, मई, जून और जुलाई के दौरान आपके घर में शुभ और मांगलिक कार्य हो सकते हैं। जून, जुलाई और अगस्त के दौरान संतान प्राप्ति भी हो सकती है। इसके लिए आपको हर रोज संतान गोपाल मंत्र का पाठ करना होगा। जिनकी शादी नहीं हुई उनकी शादी भी हो सकती है। मई, जून, जुलाई और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के दौरान स्टूडेंट ने जो मेहनत की थी उसका अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। अक्टूबर और नवंबर महीने के दौरान आप अपनी फैमिली के पीछे बहुत खर्चा कर सकते हैं। साल के अंत में आपके मन को शांति मिले ऐसी खबर आपको मिलने वाली है। वृश्चिक लग्न के स्वामी मंगल होते हैं। साल के शुरुआत में मंगल मेष राशि में छठे भाव में होंगे। 11 अगस्त से लेकर 23 नवंबर तक मंगल अस्त हो जाएंगे। तब आपकी हेल्थ में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। आपके काम में रुकावट भी आ सकती है। मंगल जब नीच के हो जाएंगे तब आपके साथ चीटिंग भी हो सकती है। 2 जून से 19 जुलाई के दौरान आप अपने ससुराल वालों से कोई भी वाद विवाद ना करें। 22 अक्टूबर से 4 दिसंबर का समय पूरे साल का सबसे खराब समय हो सकता है।
तो वाद विवाद ना करें किसी के साथ, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले चेक कर ले। गुरु शनि के साथ मकर राशि में बैठे हैं तो पैसे सोच समझ कर खर्च करें, नहीं तो फिर आपको फाइनेंस में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। शनि मकर राशि में रहने वाले हैं, शनि आपका पराक्रम बढ़ाएंगे, छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे। राहु पूरे साल आपके सप्तम भाव में रहने वाले हैं तो शादी करने से पहले कुंडली मैच जरूर करवा ले, नहीं तो आपके साथ चीटिंग हो सकती है। बिजनेस पार्टनर से भी ध्यान रखें, वहाँ भी आपके साथ चीटिंग हो सकती है। इस साल में पति पत्नी के साथ कोई भी वाद विवाद ना करें। केतु पूरे साल आपके लग्न में रहने वाले हैं तो आपको केतु की नेगेटिविटी कम करने के लिए कुत्तों को खाना खिलाना चाहिए और गरीबों को कंबल का दान करना चाहिए। केतु आपके लग्न में होने से आप आध्यात्मिकता में ज़्यादा रुचि लेने लगेंगे और धार्मिक कार्यों में ज़्यादा व्यस्त रहेंगे। 10 फरवरी को मकर राशि में 6 ग्रह साथ में आ जाएंगे। मकर राशि आपके तीसरे भाव में आती है तो इस बात का असर सब लोगों पर पड़ने वाला है, आपको इस दिन थोड़ा सावधान रहना होगा। 2021 में 2 ग्रहण होने वाले हैं, 26 मई को चंद्र ग्रहण और 10 जून को सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण इंडिया में नहीं दिखने वाला। वृद्धाश्रम में अनाज का दान करें, मंगलवार को हनुमान मंदिर में बच्चों को मिठाई बांटे, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें, हर बुधवार और अमावस्या पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो ये आपके लिए लाभदायी रहेगा। तो ये था वृश्चिक लग्न वालों के लिए 2021 का प्रेडिक्शन। ऐसी और भी जानकारी के लिए देखते रहे हमारे चैनल। धन्यवाद।